नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी पोद्दार और आप देख रहे हैं न्यूज 28 आपकी आवाज। आइए न्यूज 28 के माध्यम से रुख करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले में हुए उपद्रव का मुख्य आरोपी दीप सिद्धू गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने धर दबोचा। दीप सिद्धू पर 1,00,000 रुपए का था इनाम। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार आज। मंत्रिमंडल में 17 मंत्रियों की शपथ लेने की संभावना। उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने से आई बाढ़ के बाद सुरंग में फंसे 39 लोगों को बचाने के लिए रात से जारी है अभियान। अभी तक 26 लोगों के शव किए गए बरामद। लंदन हाईकोर्ट ने शराब कारोबारी विजय माल्या को आर्थिक मोर्चे पर दी राहत। अदालत ने रहने और कानूनी खर्च पूरा करने के लिए 11 लाख पाउंड निकालने की दी अनुमति। ऑनलाइन सोफा बेच रही थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी। ठग ने खाते से साफ किए 34,000 रुपए। भारत ने ट्विटर को नोटिस जारी कर लगभग 1200 ट्विटर अकाउंट बंद करने का दिया निर्देश। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुताबिक सभी अकाउंट्स खालिस्तान और पाकिस्तान समर्थित लोगों से जुड़े। सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर और विराट कोहली द्वारा किए गए ट्वीट को लेकर हो रहे हंगामे पर सांसद नवनीत राणा ने जमकर बोला हमला। विरोध करने वालों को दिया करारा जवाब। पेट्रोल डीजल के दाम में फिर भारी बढ़त। दिल्ली में 87 रुपए के पार हुआ पेट्रोल। 5 दिनों से जारी गिरावट पर लगा ब्रेक। सोमवार को सोने की कीमत 94 रुपए की तेजी के साथ 46,877 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर हुई बंद। तीसरी बार मां बनने जा रही है लीजा हेडन। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर फैंस को दी जानकारी। देश दुनिया से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 28 आपकी आवाज़। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।